ओंकारबिंदुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाय पारस मधुकर। आज इस चैनल पर पुनः हम एक पैरों का बहुत ही सुंदर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको रोज नए नए वीडियो हेल्थ के मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम पैरों के लिए और स्पेशल वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं, लोगों की इतनी डिमांड रहती है कि पैरों के वीडियो आप जितने अपलोड करना चाहो करो, क्योंकि पैर हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और आपके वीडियो से हमें बहुत राहत मिल रही है, बहुत लाभ मिल रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पैर का और स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। दोनों पैर सामने की ओर फैलाएं। अब देखिए, जिनके पैर एकदम स्वस्थ है वो पूरे पैर जमीन से टच रहते हैं, और किसी को घुटने में दर्द हो पैर इतना ऊपर रहता है, फिर भी आपका जैसी भी कंडीशन हो अगर आप जमीन पर बैठ के कर सकते तो बेहतरीन है, और नहीं बैठ के कर सकते आप बेड पर करिए या लकड़ी का कोई ऊंचा सेट है उस पर बैठ के करिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जिससे घुटने का दर्द भी ठीक होता है और पैरों का दर्द भी ठीक होता है। अब लेफ्ट पैर को आप आगे ले जाइए, राइट को पीछे लाइए। आप देखिए, आप राइट पैर से हम अंदर की ओर प्रेशर दे रहे हैं और लेफ्ट पैर नीचे की ओर जा रहा है। राइट पैर से पूरा पैर राइट पैर खींच रहा है, ऊपर का भाग, यहाँ का भाग, और लेफ्ट पैर से एंकल, ये कप मसल्स का भाग खींच रहा है। इसमें अब आप होल्ड करिए 10 के काउंट तक। अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर को पीछे लीजिए। आप बेहतरीन एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए, समझिए, करिए और पैरों के दर्दों से छुटकारा पाइए। अब पुनः राइट अंदर, लेफ्ट नीचे। अब राइट आगे, लेफ्ट पीछे। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, श्वास के साथ करना चाहिए, श्वास के साथ, नहीं तो नॉर्मल श्वास को चलने दीजिए। मैं जिस तरह बैठा हूं, अगर इस तरह हो सके दंडासन में तो करिए, नहीं तो पीछे हथेलियों से आप सहारा ले सकते हैं, जैसा आपको जमे वैसा कर सकते हैं, और सहारा लेने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब दूसरा पैर आगे, फर्स्ट पैर पीछे, संपन्न। ये आप 10 बार कम से कम रिपीट करिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़िए और अंदर की ओर खींचिए इनको। जो नहीं पकड़ सकते वो धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करिए, खींचिए अंदर, जितना खींच सकते खींचिए और अच्छे से पकड़ के रखिए और धीरे धीरे छोड़िए। अगर हाथों को ऊपर ना ले जाएं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट पकड़ लीजिए आप। जैसे आप अंगूठे को अंदर दबाओगे पैरों पर अच्छा खिंचाव आ रहा है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। 10 के काउंट में रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और कर लीजिए, अंदर की ओर खींचें और जहां जहां पैरों में खिंचाव आ रहा है वहां भावना करें पैर का वह भाग स्वस्थ बन रहा है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, जहां जहां अवरोध है वो खुल रहा है, धीरे धीरे ढीला छोड़िए। अब आप आगे बढ़िए और पांचों उंगलियों को इस तरह दबाइए आप अंदर की ओर। देखिए, इसमें एंकल पर अच्छा प्रेशर आ रहा है, जबरदस्त प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे छोड़िए। अब जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ के बढ़ने का प्रयास करें, और जब बढ़ जाए तो आप ऐसे पकड़ के दबाइए अंदर। ढीला छोड़िए, कम से कम आपको 5 बार करना चाहिए। अब हम तीसरी बार कर रहे हैं, यस, दबाएं और एंकिल से अंदर की ओर प्रेशर दीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, आप 5 बार करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए, आप ये जो नी का एरिया है,
ऐसा कटोरी नुमा ऐसे हाथों की आकृति बनाए, यहाँ पे रखिए और इसको गोलाकार घुमाइए, आराम से गोल गोल घुमाए उल्टी दिशा में। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करिए और घुटनों के नीचे रखिए आप, और दोनों पैरों को एड़ी से उठाइए। घुटनों के नीचे जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए, घुटनों के नीचे जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें, और पंजों का ऊपर नीचे भी कर सकते। ये पैरों के लिए सब बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में, राइट पैर को आप फोल्ड करिए। अब जो पैर को एकदम बिना सपोर्ट के सीधा नहीं कर सकते हैं, जो अगर बिना सपोर्ट के करना चाहिए तो दोनों हथेलियां पीछे रखिए और ये राइट पैर को उठाइए। अब देखिए पैर में जो खींचाव आ रहा है उसका अनुभव करिए, धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट को उठाइए, धीरे धीरे नीचे। यहाँ बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है तो यहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब पैर को पूरा उठाएंगे तो इसमें आप हाथों में ऐसे लॉक लगा दीजिए या ऐसे उठाइए आप, ऐसे सपोर्ट देंगे तो अच्छे से उठेगा, और धीरे धीरे नीचे। एक बार और करिए, पंजे को सामने की ओर सीधा करिए, धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर से करिए आप, श्वास भरते हुए ऊपर। जो श्वास को रोक सकते हैं रोके, जिन्हें हार्ट की तकलीफ है दमा की तकलीफ है वो ना रोके, नॉर्मल चलने दें, धीरे धीरे नीचे। अब वापिस धीरे धीरे नीचे। एक बार और राइट पैर से वापिस करिए। यस रिपीट, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट से करिए, लेफ्ट लेग इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे की ओर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। तैयार। अब पैर को और ज्यादा खोलने के लिए इसको फोल्ड करिए, एड़ी बाहर निकालिए और राइट हाथ से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़े, लेफ्ट हाथ घुटने के नीचे। अब इसको आगे पीछे करिए इस तरह, इससे घुटने का जॉइंट खुलता है। अब दूसरे पैर से करिए, इस तरह। अब यहां का जॉइंट खोलने के लिए पैर को आप गोल गोल घुमा सकते हैं, उल्टी दिशा में। अब दूसरे पैर से दिशा में, संपन्न। इस तरह आप ये पैरों की एक्सरसाइज करिए, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और पैरों में जो भी तकलीफ है, दर्द है, पेन है, धीरे धीरे वो आपका दूर हो जाएगा। आप सुबह शाम नियमित ये प्रयोग करिए और पैरों के दर्दों से छुटकारा पाए, और हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी भावना के साथ ओम आराम।